हेलो दोस्तों, हम परसेंटेज का वर्कशीट 5 बता रहे हैं। दोस्तों ये जो 4 सवाल है एक से एक इम्पोर्टेंट है, किसी को भी दीजिएगा तो फंस जाते हैं। टीचर सब भी इसमें बहुत सारा फंस जाते हैं, स्टूडेंट तो फंसते ही हैं। दोस्तों चलिए मैं बता रहा हूँ, आप चलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला नंबर बता रहा हूँ, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 1300। तो प्रिंसिपल दिया हुआ है 1300। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इक्वल टू 5% और टाइम तो दिया हुआ है। दोस्तों इसको देखिए, पर एनम साल के लिए बोला है, लेकिन यहाँ 4146 डे दिया हुआ है, तो 146 डे को हम लोग साल में चेंज करेंगे तो 365 ईयर में चेंज हो गया। अब हम लोग जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। दोस्तों आपको नीचे नीचे लिखते जाना है, हमको यहाँ पे कट जाएगा, छट जाएगा वीडियो, इसलिए मैं इसे लिख रहा हूँ। तो प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना, 1300 रेट 5146 बाय 365। दोस्तों और बटन में क्या होगा, क्योंकि बटन में 100 तो 100 हो जाएगा, डबल जीरो से ये कट गया, 5 से कटेगा ये, तो 5 से बन जा, उसके बाद यहाँ बचे कैरी 1, 5 3 जा। दोस्तों ये देखिए, ये 2 बार में ये कटेगा, 3 2 6 और 7 2 2 बार में ये कट गया। उसके बाद 13 2 26 हम लोगों को रुपी आंसर आया। नेक्स्ट बना रहे हैं 2 नंबर, तो फाइंड द अमाउंट निकालना है मीना गेट्स ऑन डिपॉजिट। तो डिपॉजिट मतलब प्रिंसिपल दिया हुआ कितना, 1500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम, फिर यहाँ दे दिया हुआ टाइम कितना, 73 डे, इसको ईयर में चेंज करेंगे तो 365 है ना। तो हम लोग को अमाउंट निकालना है, तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, तभी अमाउंट निकलेगा। पी इंटू आर इंटू टी बाय 100, तो यहाँ पी की जगह 1500, आर की जगह 8, 73 बाय 365 बाय यहाँ हो जाएगा 100। तो ये 100 से 100 कट गया। अब दोस्तों ये 5 से कटेगा, 5 3 जा, यहाँ भी 5 लास्ट में, तो कवर मेटर 5 7 जा, यहाँ बचा 1, तो इससे दोस्तों ये कट गया, 8 3 जा 24, ये निकला हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन हम लोग को निकालना है अमाउंट, तो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है 1500 और 24, तो हो जाएगा 15 है ना 24, ये होगा आंसर। दोस्तों आपको अगर लग रहा है कि बहुत ईजी सवाल है, उतना हम जो बोले अभी हार्ड है तो नहीं लग रहा है, तो दोस्तों अभी भी कुछ अभी देरी नहीं हुआ है, आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और एक बार 3 और 4 बनाइए। अगर आपसे बन जाएगा ना, तो आपको ज़रूर मैसेज कीजिएगा कि हम बना लिए है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बहुत टफ सवाल है। दोस्तों अगर इस सवाल के लिए अगर आपको क्या कहते हैं 5 को ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को है ना, 5 आपको दोस्त को कम से कम 5 दोस्त को जरूर शेयर कीजिए इस वीडियो के लिए, क्योंकि एक से एक सवाल टफ है। मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ तो आपको इजी लग रहा हो अभी है ना, तो एक से एक टफ है। अगर दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए 3 और 4 बता रहे हैं। तो 3 नंबर बता रहे हैं, व्हाट अमाउंट, अमाउंट निकालना विल रीना गेट बाय द इन्वेस्ट। तो प्रिंसिपल दिया हुआ कितना, 4500, रेट ऑफ इंटरेस्ट, दोस्तों मिक्स फ्रैक्शन तोड़ लेते हैं, 4 2 8 1 9/2% और टाइम हो जाएगा कितना। दोस्तों ये देखिए टाइम बहुत भयानक दिया हुआ, 8 सितंबर से कितना 20 नवंबर। दोस्तों 8 सितंबर हम लोग जानते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 30 डे का होता है, 30 में, तो 8 से लेना है तो 30 में 8 घटाएंगे तो हो जाएगा कितना 22। तो सितंबर महीना का 22 डे हो गया, नवंबर 31 डे, उसके बाद सॉरी सितंबर अक्टूबर 31 डे और नवंबर 20 ही डे लेना है, तो ऐड करेंगे टोटल तो 3 2 1 3 और हो गया 2 + 3 5 और 7, तो 73 डे। दोस्तों डे निकला, हम लोग को निकालना ईयर का, तो इसको ईयर में चेंज करेंगे तो 365। अच्छा 65 क्यों, 66 क्यों नहीं, यहाँ 2015 बोल दिया है, 5 से जब डिवाइड करेंगे 34 से, तो ये नहीं कटेगा, इसका मतलब ये नॉन लीप ईयर है, लीप ईयर रहता तो 366 भरते, दिक्कत इसलिए यहाँ बोल दिया, ये सवाल में भी यहाँ बोल दिया, देखिए 300 2005 का है, इसमें भी नॉन लीप ईयर है, ये भी नॉन लीप ईयर है, इसलिए 65 लेंगे।
तो चलिए बढ़ाते हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। तो पी कितना दिया हुआ 4500 पी 100 भर देता हूँ। पी आर कितना है 9/2 और टी है 73/365। तो दोस्तों हम लोग को ये 00 से कट गया, ये 5 है तो इससे कटेगा 59 जा, तो यहाँ 5 कितना 7 जा और यहाँ हो जाएगा 53 जा। ये दोस्तों इससे ये कट गया, देखिए सेम टू सेम है, और यहाँ 99 जा 81/2 तो हो गया 40.50। ये निकला हम लोगों का क्या दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन हम लोग को निकलना है अमाउंट। तो अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, है ना। तो प्रिंसिपल कितना है दोस्तों इतना प्लस 50, तो हो गया हम लोग का 54540.50। दोस्तों आपको लग रहा होगा इजी, हम बनाए हैं ना सवाल को, तब भी आप पॉज करके फिर से एक बार अपने मन से बनाइए, देखिए फिर फंस जाइएगा आप, इतना हार्ड सवाल है ये सब। ऐसा नहीं दोस्तों मैं आपको डरा रहा हूँ, क्योंकि ये हार्ड ही है, अब मैं बना के दिखाया ना आपको, फिर से आप बनाइए, देखिए नहीं बना पाएंगे। अगला फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल दिया हुआ कितना 35000 पी इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 to 8 19/2 पर एनम, और टाइम दिया हुआ कितना, फिर देखिए टाइम कितना दिया 15 March to 8 August तक दिया हुआ। तो 15 फ्रॉम बोला है दोस्तों, यहाँ देखिए फ्रॉम बोला है 15 मार्च, तो मार्च से 8 अगस्त तक जाना है। तो मार्च मार्च होता है 31 डे का, उसमें 15 घटाएंगे दोस्तों तो कितना हो जाए इसमें 6। मार्च के बाद अप्रैल 30 डे हुआ था, अप्रैल के बाद मई 31, मई के बाद जून 30, जुलाई 31 प्लस अगस्त कितना अगस्त 8, है ना, इतना तक इसको ऐड करेंगे तो 3 3 3 3 तो 3 3 3 3 12 तो 120 21 22 और 8 30 और यहाँ 30 40 तो 46 तो हो जाएगा 146। ये डे निकला दोस्तों, इसको हम लोग ईयर में चेंज करेंगे 146 बाय 365। 365 क्यों दिए, मैंने बताया था यहाँ नॉन लीप ईयर है। तो चलिए टाइम चेंज कर दिए, सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं P इंटू आर इंटू टी बाय 100। तो प्रिंसिपल है 3500 रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना बाय इतना, और टाइम है कितना दोस्तों 146/365 और बटन में होगा 100। ये से इस कटा, यहाँ 5 है दोस्तों तो ये 5 से कटेगा, 5 7 जा 5 कितना बार में कटेगा तो 5 7 जा और 5 3 जा दोस्तों। ये देखिए इससे ये 2 बार में फिर कट रहा है ना, E2 से E2 कटा तो उसका 9 7 जा 63, तो ये 63 निकल गया रुपी। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और इसको अब ज़रूर शेयर कीजिएगा कम से कम 5 को, एक से एक भयानक सवाल है, मैं बना के दिखाया ना आपको, तो आप फिर से बनाइए देखिए फंस जाएंगे। चलिए थैंक यू, मैं डरा नहीं रहा आपको, बता रहा हूँ।